फॉक्सवैगन ने अपनी मिड साइज सेडान वर्तुस आज भारत के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दी। भारत पहला मार्केट है जहां पर ये गाड़ी सेल पर जाएगी। वर्तुस को फॉक्सवैगन के इंडिया प्लांट में ही बनाया जाएगा और यहां से ही 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। साथ ही फॉक्सवैगन की तरफ से ये गाड़ी उनकी पुरानी सेडान वेंटो की रिप्लेसमेंट होगी। वर्तुस स्कोडा स्लाविया के प्लेटफॉर्म पर ही बनाई गई है। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला होगा 1 लीटर का 3 सिलेंडर TSI और दूसरा 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन। वर्तुस के डायमेंशंस की बात की जाए तो ये कार अपने सेगमेंट की सबसे लंबी कार है। इसमें आपको 2651 mm का व्हील बेस मिलता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो वो आपको 4561 mm की देखने को मिलेगी। वहीं चौड़ाई 1752 mm और हाइट 1507 mm है। साथ में आपको 521 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस भी वर्तुस देगी। इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो इसमें आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। साथ में वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग्स का ऑप्शन आपको यहां पर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और एक रियर पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। गाड़ी में आपको फॉक्सवैगन की नई डिजाइन लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये काफी बोल्ड लुक देती है और पहले की फॉक्सवैगन गाड़ियों से भी अलग लगती है। इंडिया में वर्तुस मई 2022 में लॉन्च हो सकती है। फिलहाल मार्च से इसकी बुकिंग्स ओपन है। फॉक्सवैगन की इस नई मिड साइज सेडान का कॉम्पिटिशन होगा मारुति की सियाज, स्कोडा की स्लाविया, होंडा की सिटी और हुंडई वर्ना के साथ। तो अगर आप एक मिड साइज सेडान लेने का सोच रहे हैं तो वर्तुस एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। Thank you.